नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर टू बहुपद मैथ्स स्टैंडर्ड 10 सेठ सेल हिंदी हाई स्कूल रखिया। नेक्स्ट टाइम हम बहुपद के बारे में स्टडी किए थे, आज थोड़ा उससे एडवांस यानी आगे की तरफ त्रिघात बहुपद की तरफ हम अग्रसर होंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, के शून्यक हो, इसका मतलब होता है कि त्रिघात यानी इसके तीन पद हैं, इसके तीन उत्तर हैं, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। तो इसका व्यापक जो रूप होता है, इसका तो व्यापक रूप है, इसका पहला सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए का मतलब एक्स घात तीन का गुणांक। उसी तरह से जो इसके शून्यक है उनका गुणा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब ये अचर एक्स का गुणांक होता है और ए का मतलब एक्स क्यू का गुणांक होता है। उसी तरह से तीनों का गुणांक अल्फा बीटा गामा ये होता है माइनस डी अपॉन ए। डी का मतलब ये अचल पद होता है, आप देखें डी का मतलब अचल पद होता है और ए का मतलब होता है एक्स घात क्यू का गुणांक, ये गुणांक कहलाता है। अब इस तरह से ये टॉपिक्स जो है एक्स घात तीन का पूरा हुआ। ये एक्स घात तीन का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताया हूँ। अब प्रश्नावली 2.2 में इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। जैसे पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का गुणांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जिसका हमको गुणांक ज्ञात करना होता है उससे हम सबसे पहले ज़ीरो मान लेते हैं, फिर इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 8 का 4 दुनी 8 में कर सकता हूँ, 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो, इसका हमने गुणनखंड किया, इन दोनों को जोड़े में लिया, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, दोनों का सिंबल सेम है, एक्स माइनस 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम मान सकते हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा होता है x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। अगर आप इसे अल्फा मानते हो और इसे बीटा मानते हैं तो उनके बीच सत्यता के संबंध को स्थापित करना है। तो पहले मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 माना और बीटा को माइनस 2 माना, तो ये हो गया 4 माइनस 2, ये टोटल हो गया 2। 2 को 2 बटे 1 लिख सकता हूँ, 2 का मतलब यहाँ पर होता है x का गुणांक। तो अब x का गुणांक यहाँ तो माइनस 2 है, आप 2 बटे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इनका अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना हो तो अल्फा दिया है 4 और बीटा दिया है माइनस 2, ये टोटल हो गया माइनस 8। ठीक है, तो अगर आप लिख सकते हैं 2 बटे 1 तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 बटे 1, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब मान लीजिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये माइनस दो का अर्थ क्या होता है, ये आप देखिए, माइनस दो का मतलब होता है ये एक्स का गुणांक, लिख सकते हैं माइनस ये होता है एक्स का गुणांक और बटे एक, ये जो एक है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर एक होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह से माइनस एट ले लीजिए, अब माइनस एट का मतलब इसके बटे एक लिख सकता हूँ, माइनस एट का मतलब ये है अचर पद, यानी यहाँ पर हम अचर पद कह सकते हैं, बटे एक इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद यानी जिसके साथ एक्स का कोई संबंध नहीं है उसे हम अचर पद कहते हैं, माइनस अचर पद बटे एक, एक का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह के एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आप आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह के सवाल हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है।
पहला है 1/4 और दूसरा है -1, तो आप लिख सकते हैं इनको योग दिया हुआ है तो ये 1/4 है, इनका गुणनफल दिया हुआ तो ये -1 है। अब फॉर्मूला है x² - α + β (x + α) = 1। यहाँ बाहर k होता है लेकिन चूंकि k अचर पद होता है इसलिए आप लिखे तो ठीक और ना लिखे तो भी ठीक। अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 x और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 = 0, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4x² 1 का x से x प्लस माइनस माइनस होता है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 और 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4। ये इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया फिर इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और इसको इधर भी मल्टीप्लाई किया कि ये नीचे वाला पार्ट इस तरफ चला गया, तो ये 4x² - x -